हमारे ऊपर 366 मुकदमे हुए थे, बिहार से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, कई जिलों में 365 मुकदमा हुआ था। मैं आप लोग का समाज के अंदर घोषणा करना चाहता हूं कि मैं 366 मुकदमा मैंने जीत गया। आज हमारे ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है नक्सल मूवमेंट का, और सारे मुकदमा में मैं निर्दोष करार दिया गया हूं, क्योंकि समाज की लड़ा था। आज जो कपड़ा है ये बाबा साहब का देन है, टाई है तो बाबा साहब का देन है, ये कलम है तो बाबा साहब का देन है, क्योंकि ये बेड़ी का हाथ में आज हमारे हाथ में कलम है, मेरे भाई मेरे मोहनियो थूकने का हाड़ी है। आज कोई भी माँ अपने गर्भ से बाबा साहब का कोई पैदा किया, भीमराव अम्बेडकर कोई पैदा किया, अभी तक माँ मेरी बहन अभी भीमराव अम्बेडकर को पैदा नहीं किया। भले अभी रूप दिखाया गया है, लेकिन वो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं हो सकते हैं, संविधान नहीं लिख सकते हैं। आज देश में कोई भी माँ अध्यक्ष जी सुनिए, मीटिंग करवाना है कि मुफ्ती सब करना है, चलिए बैठिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं इशारा करना चाहूंगा अपनी ओर, हमारा पलामू में, खास करके पलामू के पास मैं, जहां मेरा जन्म स्थली है, जहां से जिस मिट्टी से मैं जन्म लिया हूं, और उस मिट्टी से जन्म लेकर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सदन का, उस सदन का मेंबर बना हूं, उसी पावन धरती पर 20 अप्रैल को बाबा साहब का आदमकद प्रतिमा का लगाया जा रहा है, जिसका मुख्य अतिथि आरजेडी का, मैंने भी आरजेडी में हूं, आरजेडी के केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव जी हैं, उनके द्वारा ही मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। मैं माननीय कमल किशोर कमांडो से भी आग्रह मैंने दिया है, बाद में मैं बतियाऊंगा। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि वो 20 अप्रैल को निश्चित तौर पर वहां पहुंचे, और जितने भी अगल बगल मेरे समाज के लोग हैं हमारे लोग, उस 20 अप्रैल को उस पावन धरती पर पहुंचे, क्योंकि जहां मैं लगा रहा हूं वहां बाबा विरोधी लोग, बहुत सारे लोग अन्यायी लोग हैं। मैं उस धरती पर स्थापित करना चाहता हूं वहां का दलित का, शोषित का है, बेसहारों का, लाचारों का, बेबस को, क्योंकि मैं 28 साल तक लड़ा है उन समाज के लिए, लड़ा है जिन समाज में लोगों ने जिल्लत का जिंदगी जीता था, मां मान का चिंता, इज्जत आबरू हर जगह पर लूटा जा रहा था, बैठने का अधिकार नहीं था, खाने का अधिकार नहीं था, चलने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, अब हर जगह सामाजिक विषमता का लोग शिकार था। मैं 28 साल तक लड़ा, हमारे ऊपर 366 मुकदमे हुए थे, बिहार से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, कई जिलों में 365 मुकदमा हुआ था। मैं आप लोग का समाज के अंदर घोषणा करना चाहता हूं कि मैं 366 मुकदमा मैंने जीत गया। आज हमारे ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है नक्सल मूवमेंट का, तो आज की न्यायपालिका मंदिर है, और सारे मुकदमा में निर्दोष करार दिया गया हूं, क्योंकि समाज की लड़ा था। दिल्ली के मां रामलीला मैदान में हम लोग भरने की संकल्प लेते हैं, और ये व्यवस्था और सिस्टम को, हुकूमत को मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पास ताकत क्या है, तुम मुझे नजरअंदाज मत करो, मेरी औकात का मांग मत ढाको, हम चाहेंगे भी हमारे वक्ता बोले कि हम चाहेंगे तभी चलेगा तुम, जब चाहेंगे तभी तू जीतेगा, और नहीं चाहेंगे तो तुम नहीं जीतेगा, तो हमारी औकात ये है। तो आज उस औकात को दिल्ली हुकूमत को बताना होगा, जो केंद्र में बैठ करके आज हमारा लोकतंत्र का हनन कर रहा है, लोकतंत्र खत्म कर रहा है, बाबा साहब का बना हुआ संविधान को खत्म कर रहा है। मैं भाई बताना चाहता हूं मेरे भाई बंधुओं, जब 2014 में जब बीजेपी ने सत्ता में आया, तो पहला बार सदन में बिल लाया क्या? संविधान, नया संविधान गढ़ने का। जब देश में विद्रोह हुआ तो संविधान संशोधन बिल लाया, पूरे देश में विद्रोह हुआ
तो फिर क्या बिल लाया? भूमि अधिग्रहण खत्म करने का, वन अधिनियम पट्टा रोक करने का कई बिल लाया, जो हमारा हम लोगों ने महागठबंधन की सरकार में उसको बनाया था। हमारे बगल में हमारे बैठे हुए हैं सहयोगी कमल किशोर कमांडो ने, उसी 9000 जाति के सदन में ये सारा बिल पारित हुआ था। तो मेरे भाई मेरे बंधुओं, जब मेरी स्वाभिमान नहीं रहेगा तो हम आप नहीं रह पाइएगा। आज वो कपड़ा है ये बाबा साहब का देन है, टाई है तो बाबा साहब का देन है, ये कलम है तो बाबा साहब का देन है, क्योंकि ये बेड़ी का हाथ में आज हमारे हाथ में कलम है। मेरे भाई मेरे बंधुओं, थूकने का हानि है। मेरे भाई मेरे बंधुओं, आज संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, पूछिए उसे मानो से कि संविधान शर्मानी चाहिए इस संविधान का। आज कोई भी माँ अपने गर्भ से बाबा साहब का कोई पैदा किया, भीमराव अम्बेडकर कोई पैदा किया? अभी तक माँ मेरी बहन अभी भीमराव अम्बेडकर को पैदा नहीं किया, भले अभी रूप दिखाया गया है लेकिन वो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं हो सकते हैं, संविधान नहीं लिख सकते हैं। आज देश में कोई भी माँ गांधी पैदा नहीं कर पाया है। गांधी का स्वरूप हो सकता है लेकिन गांधी का विचारधारा नहीं हो सकता है, गांधी नहीं बन सकता। तो मेरे भाई मेरे बंधु, आज इसको रक्षा करना है। संत गाडगे जी हैं, आज हमारे लोगों ने मांग किया है, चाहे देश में राष्ट्रीय छुट्टी हो, राज्य में राष्ट्रीय छुट्टी हो, उनके किए हुए संघर्ष, किए हुए दिए हुए प्रेरणा को, चाहे मध्य विद्यालय हो, जो भी विद्यालय में है, उसको उसको रखा जाए, बच्चे के बीच में ले जाया जाए। किसी जो भी महापुरुष समाज के विकास के लिए अग्रिम भूमिका निभाए हैं, समाज में रूढ़िवादी संस्कृति को खत्म करने का जो कार्य किए हैं, वो सारे लोगों को आज शिक्षा लोगों को जेहन में देने के लिए बच्चों को शिक्षक शिक्षित पुस्तक के माध्यम से उसको अग्रिम रूप से वो पुस्तक लाया जाए पाठ। तो मेरे भाई मेरे बंधु, मेरा इशारा हो रहा है क्योंकि मैं अपने बात को यहीं से समाप्त करना चाहता हूँ, और बैठे हुए तमाम माता बहने भाई बंधुओं, बैठे हुए तमाम सम्मानित बच्चों को मैं तहे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ।